हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज प्रकाश आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें हम लोगों ने तीन वीडियोस देख चुके बना चुके हैं। अब ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है उससे आगे, है ना। तो इसमें क्या है कि हमको पढ़ना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ था। अब उस एमिशन के लिए क्या क्या नियम है, किन किन नियमों के आधार पे वो एमिशन होता है, या किन जब एमिशन होता है तो किन किन नियमों का पालन करता है, वो सारे नियम्स को हम लोग एक बार देखेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे बहुत बहुत बार क्वेश्चन दो नंबर में पूछे गए हैं, और ख़ासकर इन नियमों के आधार पर एक नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इन नियमों को एक एक करके। पहला है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों ने क्या देखा था कि लाइट इंसिडेंट करता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो करंट होता है, और उसी करंट को क्या कहते थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ का बढ़ना, या एक के घटने से दूसरे का क्वांटिटी का घटना। तो सिंपल बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो। अब जैसे देखो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी इसका I1 है, इसका इंटेंसिटी I2 है, और इसका इंटेंसिटी आप देखो I3 है। ये यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो इंटेंसिटी इसका I1, I2, I3 है। आप देख रहे हैं कि I3 सबसे बड़ा इंटेंसिटी है, उससे छोटा I2 है और सबसे छोटा I1 है। तो आप जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटो करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फोटो करंट का वैल्यू, इसका सैचुरेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका थोड़ा सा और ऊपर है, इसका थोड़ा सा और ऊपर है। तो इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि फोटो करंट भी बढ़ रहा है। तो वही बात है यहाँ पे भी कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेकेंड है कि सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट में क्या था कि जब भी कभी हम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दे, करंट सैचुरेशन का एक लेवल होता है। मतलब कि करंट बढ़ते जाएगा और एक लेवल के बाद जाके वो बढ़ना बंद हो जाएगा, चाहे आप इंटेंसिटी कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, उससे ज़्यादा करंट उस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो ही नहीं सकता है। तो उसी जहाँ पे करंट का बढ़ना बंद हो जाता है एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, है ना। तो सैचुरेशन करंट जो होता है ये ऐसा पाया गया कि प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि ये भी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे देखो आप इसका देखो ध्यान से, यहाँ पे जाके सैचुरेट हो गया, अब इससे ऊपर ये जाएगा ही नहीं। यानी कि जिसका इंटेंसिटी कम वो थोड़ा नीचे ही सैचुरेट हो गया, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा वो थोड़ा सा ऊपर जाके सैचुरेट हुआ, और जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो और ऊपर जाके सैचुरेट हुआ है। इसका मतलब है कि सैचुरेशन भी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। इंटेंसिटी कम है तो सैचुरेशन कम, इंटेंसिटी ज़्यादा है तो सैचुरेशन ज़्यादा। ठीक है, तो दो पॉइंट आप समझ गए। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटीज। अब जरा ध्यान से यहाँ पे गौर से देखेंगे, क्या कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वह पोटेंशियल जिस पे करंट का फ्लो रुक जाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट? मतलब फ्री है इंटेंसिटी से। आप जरा ध्यान से देखो, यह इंटेंसिटी I1 था तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है -V0, I2 है फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, और I3 है फिर भी वही है। तो इंटेंसिटी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है या इस पर कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटेंसिटी पे यह स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं करता है, है ना। इंटेंसिटी को चाहे कुछ भी कर दो, बढ़ा दो घटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा। तो यही इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटीज है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर वही बात हो गया। अब देखो यहाँ पे जो
वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट की बात कर रहा है। सैचुरेशन करंट मतलब वहां पे जाके जहां पे करंट बढ़ना बंद हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो वो सैचुरेशन करंट जो है इंडिपेंडेंट है किससे, फ्रीक्वेंसी से। अब आप यहां पे देख लो एक हम ग्राफ क्या चीज बनाया है, फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट का ग्राफ है। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहां था स्टॉपिंग, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि इसका फ्रीक्वेंसी म्यू वन है, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू टू है और इसका फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री है। और एक और बात है कि म्यू थ्री बड़ा है म्यू टू से और म्यू वन से। तो आप देख लो कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ये तीन रेडिएशन है, पहला दूसरा तीसरा, इस तीनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग है लेकिन तीनों का सेचुरेशन पॉइंट क्या है, सेम है। यानी कि सेचुरेशन पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए घट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, सेचुरेशन पॉइंट कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं। लिखा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज इन निगेटिव फॉर हायर पोटेंशियल, है कि नहीं, फॉर हायर पोटेंशियल नहीं होगा यहां पे, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी होगा यहां। फॉर हायर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो क्या कह रहा है। अब देखो इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे हायर कौन है, म्यू थ्री है, इसमें म्यू टू उससे कम है और म्यू वन सबसे कम है। तो आप देखो म्यू वन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यहीं पे माइनस में वी नॉट वन है, म्यू टू के लिए माइनस में वी नॉट टू है और म्यू थ्री के लिए माइनस में वी नॉट थ्री। तो हमको पता है कि इधर की तरफ पॉजिटिव बढ़ता है और इधर की तरफ निगेटिव बढ़ता है, इधर की तरफ ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा, ये पोटेंशियल होगा। यहां भी सॉरी मिस्टेक हो गया था, ये पोटेंशियल ही होगा। आप देख सकते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जैसे देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तीन रेडिएशन है तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बना। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है निगेटिव में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, है ना, इस तरफ निगेटिव बढ़ता है और इस तरफ पॉजिटिव बढ़ता है। आप लोग पढ़ चुके हो नंबर, ये देखो ना ये जीरो है और इधर क्या होता है वन, इधर क्या होता है टू, इधर माइनस वन होता है, इधर माइनस टू होता है, तो लेफ्ट साइड में निगेटिव बढ़ता है और राइट साइड में पॉजिटिव बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होते चला जा रहा है निगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी बात को लिखा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज इन निगेटिव, किस चीज में, निगेटिव में इंक्रीज करेगा अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। छठा पॉइंट देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, फिर वही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा लिनियरली विथ फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो देखो क्या होता है कि आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वह फ्रीक्वेंसी जहां कम से कम फ्रीक्वेंसी का वह मिनिमम वैल्यू जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो, एमिटेड हो, तो उससे कम पे इलेक्ट्रॉन ना बाहर निकले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पॉइंट सिक्स कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वह कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट है इस रेडिएशन के लिए जहां फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो है, आप देखो आप फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो इसका है। अब यहां पे फोटो करंट का भी वैल्यू कुछ है तो कुछ फ्रीक्वेंसी इसका होगा जहां पे पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी के मिनिमम फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, यही पॉइंट छठा कह रहा है। उसके बाद देखो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो वही बात आ गया, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किसका, इंसिडेंट रेडिएशन सबका, बिलो विच नो एमिशन टेक प्लेस। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, है ना, चाहे रेडिएशन चाहिए, उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, तो वह फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे एमिशन हो ही नहीं, क्या कहें, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे एमिशन हो ही नहीं। मान लो एग्जांपल के तौर पे कि
मान लो कि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी भी मेटल से, और मान लो कि मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 चाहिए हमको, है ना, वो तो एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 चाहिए और हमको 3 फ्रीक्वेंसी का जो कोई रेडिएशन आ रहा है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। तो वही बात है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है जिसके नीचे कोई भी एमिशन नहीं होता है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट डेफिनेशन के रूप में पूछ सकता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ गए आप लोग, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके नीचे कोई एमिशन ओमिशन हो नहीं सकता। लास्ट है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट इज देयर इज नो टाइम लैग। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसेस है, जैसे सोर्स से लाइट आता था और प्लेट P1 पे टकराता था और फिर इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो ऐसा नहीं है कि लाइट आया, प्लेट P1 पे टकराया, उसके बाद कुछ देर रुका, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि जैसे ही लाइट टकराएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस का पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है, सारा प्रोसेस के बीच में कोई भी टाइम का डिफरेंस या टाइम का लैग नहीं पाया जाता है। तो ये थे आपके 8 लॉ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के, जिनके इन 8 नियमों के आधार पे, 8 नियमों के आधार पे ही फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है। या ये भी कह सकते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जब भी होगा तो इसमें से किसी न किसी के नियम का पालन करता ही होगा, या इन सभी नियमों का पालन करता ही होगा। किसी का क्या, सभी नियमों का पालन करता है। कोई भी रेडिएशन जब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में पार्टिसिपेट करता है तो इन सारे नियमों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो ये आपके सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक में आज इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।